इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवीज और सीरीज को, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस लिस्ट की सभी मूवीज और सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं, इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट मूवी है द वेलिंग, जो आई है 2016 में। ये कोरियन हॉरर ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे गाँव की, जहाँ पर अजीबोगरीब मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि मर्डर करने वाला जो होता है वो मर्डर करके भागता नहीं है, वो उसी जगह पर मौजूद रहता है। और जब पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बंदा किसी के कंट्रोल में है, यानी किसी ने उसे पोजेस कर रखा है और ज़ॉम्बीज जैसी हरकतें करने लगता है, जिसके बाद ये खुद भी मर जाता है। इसी वजह से गाँव वालों के दरमियान डर बना हुआ है। इसी केस की जिम्मेदारी दी जाती है कामचोर पुलिस ऑफिसर को, जिसको किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं होती। पर उसके लिए मुश्किल तब खड़ी होती है जब उसको वही अलामत जो कातिलों के अंदर दिखते हैं उसको अपनी बेटी के अंदर दिखने लगते हैं, जिसका अंजाम मौत होता है। जिसके बाद ये एक्शन में आता है और पता लगाना चाहता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखें। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है आई एम लेजेंड, जो आई है 2007 में। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की, जहां पर पूरा शहर ज़ॉम्बीज में बदल गया होता है। लेकिन वहां पर एक आदमी अपने डॉग के साथ उसी शहर में सरवाइव कर रहा होता है और उस वायरस का इलाज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में वो किन किन चैलेंजेस का सामना करता है वो आप इस मूवी के अंदर देखें। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.1 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है फेयर द वॉकिंग डेड। ये एक हॉरर और थ्रिलर सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है लॉस एंजलिस की, जहां पर अचानक से एक इन्फेक्शन की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच कहानी दिखाई गई है दो फैमिलीज की, जो इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में सरवाइव कर रहे होते हैं। इस सीरीज के 3 सीजन तक इन दो फैमिलीज की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते गए और भी लोगों का इजाफा होता चला गया। अभी तक इस सीरीज के 7 सीजन आए हैं और इसका 8वां और फाइनल सीजन इसी साल रिलीज होगा। ये कमाल की ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये सीरीज प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिली है 6.8 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है रेजिडेंट ईविल, जो आई है 2022 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री सर्वाइवल सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज के अंदर कहानी शुरू होती है डेडलीस्ट वायरस से, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों की कहानी दिखाई गई है जो ज़ॉम्बी से बच गए होते हैं और छुपकर सरवाइव कर रहे होते हैं। आगे क्या होता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखें। ये सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिली है 4.0 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है वाई द लास्ट मैन। ये एक एक्शन और साइंस फिक्शन सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो अर्थ पर सिर्फ अकेला ही मेल होता है, बाकी सारी की सारी औरतें होती हैं, क्योंकि एक डेडलीस्ट वायरस की वजह से सारे के सारे मेल्स मारे जा चुके होते हैं और सिर्फ यही एक आदमी बचा होता है। ये एक यूनिक स्टोरी है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज होलो पर इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिली है 5.9 out of 10 IMDb पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।